रुड़की एलुमनी एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर की वार्षिक आम बैठक का आयोजन लखनऊ के वेसरसरिया प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। बैठक के उपरांत नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी इंजीनियर वाईडी माथुर एवं इंजीनियर जीसी अग्रवाल ने सर्वसम्मति से श्रीमती मीना अग्रवाल को अध्यक्ष और इंजीनियर राजेश अग्रवाल को सचिव मनोनीत किया। इसके साथ ही अशोक श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, रवीश वैश्य सांस्कृत सचिव, इंजीनियर के एन आई ट्रेजरार एवं इंजीनियर अभिषेक शर्मा सह सचिव चुने गए। इसके पहले एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष इंजीनियर अनुज माशने ने अपने कार्यकाल में चैप्टर की उपलब्धियों के बारे में बताया व सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। निवर्तमान सचिव आर्किटेक्ट अजय श्रीवास्तव ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। लखनऊ चैप्टर के आज प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और हमारा ये चैप्टर बहुत पुराना है और सभी चैप्टर्स में ये सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव चैप्टर्स में से है और कई सालों से बहुत कुछ काम करता रहा है। आगे भी हम लोग इस चैप्टर में सोशली हम लोग बहुत आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के लिए ब्रदरहुड के लिए बहुत काम करते हैं। कहीं भी किसी की भी हेल्प की ज़रूरत होती है, चाहे हमारे एलुमनाई हों चाहे उनकी फैमिलीज हों, उनके सपोर्ट के साथ साथ हम लोग बहुत सारे टेक्निकल सेशन टाइम टू टाइम करते हैं। जैसे सोशल इशूज़ जैसे होते हैं, बहुत सारे सोशल इशूज़ हैं, जैसे ब्रेन वाटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, रोड सेफ्टी है, सैनिटेशन है, ग्रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इवन एजुकेशन में भी हम लोग बहुत सारे टेक्निकल सेशन करते हैं। हम लोगों ने जैसे अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग वो सजेशन हमारे वर्कशॉप्स में कॉन्फ्रेंस में उनके सजेशन हमें टाइम टू टाइम दिए भी हैं गवर्नमेंट ने और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो सजेशन हमने दिए थे वो सजेशन हमारे गवर्नमेंट में फिर दोबारा दे सकते और वो इम्प्लीमेंट करें। और प्लस हम लोग आगे भी इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल सेशन करते रहे और उसके अलावा हमारे बहुत सारे जो हमारी ग्रासी सोशल विंग उसके थ्रू भी हम लोग बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनकी एजुकेशन हम लोग फंड करते हैं और उनकी फंडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे और स्कूल्स में भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम करते रहते हैं और उन्हें आगे करते हैं। थैंक यू। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।